गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिसेस एंड सोर्ट्स। इंडिसेस मतलब होता है सूचक और सोर्ट्स है करोनी। तो इस चैप्टर में हम जब सबसे पहले पढ़ेंगे तो बेसिक फॉर्मूला के बारे में याद करना है। उसके बाद पार्ट वन में हम इसको पढ़ेंगे इंडिसेस और सोर्ट, और पार्ट टू में हम लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है उसको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। अगर a इज द रियल नंबर और m इज द पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम पहला फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू 1। हिंदी में इसको बोलते हैं बेस घात और यह घातांक। यह बेस a इज द बेस और m इज द पावर। तो a जो बेस अगर एक है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट फॉर्मूला है a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। हम इसको इस ढंग से भी दिखाई देता है लिखने के a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। ये भाग का सिंबल है इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम एम माइनस एन। ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन। ये गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसके पावर है तो उसके ऊपर भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ए टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल टू वन बाई ए टू दी पावर एन। यह है एक दो तीन चार फिफ्थ नंबर है ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। आगे भी है ए टू बाय बी टू द पावर एम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, दोनों का पावर एम। ये भी है ए बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम इन टू बी टू दी पावर एम, दोनों अलग अलग करके हम गुणा कर सकते हैं। और इससे आगे हम देखेंगे तो और भी इसके साथ है फॉर्मूला, वो मैं अब आपको लिखा देता हूं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फॉर्मूला को याद करना जरूरी है। देखिए m रूट a टू द पावर n टू द पावर m इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, क्योंकि रूट रूट a रूट रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ। रूट एम एम रूट ए इज इक्वल टू ए टू द पावर वन बाई एम, और ये एम ऑलरेडी है तो इसको गुना हो जाएगा। तो हम ए टू द पावर वन बाई एम इन टू एम, तो ये काटने के बाद क्या रूपते हैं ए। नेक्स्ट अगर ये लिखा जाए एम रूट ए बाई बी, हम इसको लिख सकते हैं एम रूट ए बाय एम रूट बी। एम रूट एन रूट ए तो हम इसको लिख सकते एम एन रूट ए। तो अभी हम इस फॉर्मूला के मदद से हम कुछ मैथ्स करते हैं, आगे देखिए। जब हम लॉग करेंगे लॉगरिथम में ये सब काम आएगा, इसको सब फॉर्मूला की जरूरत होगा, जैसे जैसे जरूरत होगा करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन लिखिए, नाइन इंटू थ्री रूट फोर डिवाइडेड बाय थ्री इंटू थ्री रूट टू
इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? डिवाइडेड बाय तो 9 इंटू 3 रूट 4 बाय 3 इंटू 3 रूट 2, ये और ये काट देंगे तो वो जाएगा 3 3, तो क्या रूट है? और इसको हम लिखेंगे 3 3 इंटू 3 रूट 4 बाय 2, इसको काटने से 2 होता है, तो 3 इंटू 3 रूट 2 ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 राइट 4 रूट 3 कॉमा 6 रूट 10 एंड 12 रूट 25 इज डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की ओर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 रूट 3। 4 रूट 3 मतलब फॉर्मूला के आधार पर इसको है 3 टू द पावर 1 बाय 4। 6 रूट 10 इसका मतलब 10 टू द पावर 1 बाय 6। और 12 रूट 25 इसका मतलब 25 का रूट 1 बाय 12, क्योंकि हम जानते हैं जो भी है अगर 3 रूट 4 है तो 1 बाय 4 1 बाय 6। अभी 4 6 और 12 इसका एलसीएम करेंगे, 4 4 6 और 12 का एलसीएम करेंगे, तो 4 के साथ 12 काट जाएगा, 6 के साथ 12 काट जाता है। इसका नहीं मतलब एलसीएम क्या है, 12 है, इनके साथ 12 से गुना करेंगे, इसके साथ 12 से गुना करेंगे, इसके साथ 12 से गुना, ये काट देगा 1, इसके साथ काट देगा 2, इसके साथ काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 9 27 27, ये होगा 27। और ये होगा 10 के पावर 10, पावर 10 के ऊपर पावर क्या है 2, मतलब होता है 100। और ये 25 को पावर 1 मीन्स 25। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा कौन सा, ये है 6 बाय 10, इससे छोटा कौन है, ये 4 रूट 3, इससे छोटा क्या है 12 रूट 25, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रूट -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -1 बाय 3 टू द पावर 4। ओके, -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -3 1 बाय 5, इसको इसका मतलब क्या है, इस सवाल को करना। देखिए -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय है -3 1 बाय 3 टू द पावर 4, तो हम -2 टू द पावर 5 इंटू, इसको इंटू कर लेंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, 3 बाय 1 टू द पावर 4। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इंटू करने के बाद 2 का रूट 5 होगा, -2 कितना बार गिना करना, 5 बार गिना करना, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 बार इंटू -2 -2 5 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, 80।
इक्वल टू एक दो तीन चार पांच, दो दो पांच है तो माइनस होगा 32, दो दो चार चंद्र आठ, आठ दो सोलह, सोलह बत्तीस, इंटू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तीन तीन नौ, तीन नौ सत्ताईस, सर इक्यासी, इक्यावन, ये गुना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और टोटल सॉल्व होगा इसको माइनस 2592, इसको गुना करने से 2592 आंसर। एक क्वेश्चन और है, देखिए